बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त मटन रोगन जोश की रेसिपी। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। तो देखें, इसे बनाने के लिए मैंने मटन लिया है और ये मिक्स मटन है जो कि फैट के साथ है। इसे मैंने अच्छे से धोकर रखा हुआ है और अब कढ़ाई के अंदर डालेंगे 4 to 5 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग और साबुत गरम मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायचियाँ, 4 से 5 लौंग, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 10 से 12 ब्लैक पेपर। 30 सेकंड बाद इसके अंदर 2 मीडियम प्याज स्लाइस में कटा हुआ डाल देंगे। और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर मटन शामिल कर देंगे। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार स्पून चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि मटन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए, मटन को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब ये चिपकने लगा है, तो अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूनेंगे। इस रेसिपी में मटन को भूनना बहुत ज़रूरी है। इसे इतना भूनेंगे कि मटन का कलर लाल हो जाए। तो मटन के अंदर मैंने कंटिन्यूसली स्पून चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और मटन का कलर आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का दिखने लगा है। तो इस टाइम पर इसके अंदर नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर और 1/2 टेबल स्पून सौंठ पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जिससे कि मसाले हमारे जले नहीं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 टेबल स्पून दही शामिल करेंगे। तो दही डालकर मैंने 2-3 मिनट तक फिर से भून लिया है और इसका ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इस टाइम पर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो पानी मैंने 2 कप डाला है ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और जो रोगन जोश की तरी होती है वो पतली ही होती है, ट्रेडिशनल तरीके से रोगन जोश की पतली तरी होती है और इसके ऊपर एक तेल की परत तैरती है। इसे स्टीम चावल के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग भी इस आसान और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।